बिहार विधान परिषद आज से ई विधान पर काम करेगा। पूरी तरह कंप्यूटराइज हो गई है सदन की कार्यवाही। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि देश में बिहार पहला राज्य है जहां इस तरह की व्यवस्था हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जो है कंप्यूटराइज किया गया है और अब सदस्य पूरी तरह से कंप्यूटर पर ही सारा कार्य करेंगे। तो बिहार पहला राज्य है जहां इस तरह की व्यवस्था हो रही है और इसको लेकर सभापति ने भी कहा है कि अब कई तरह की सहूलियत हो जाएंगी। वहीं सदस्यों ने कहा कि अब और जिम्मेवारी हम लोगों पर बढ़ गई है। सारी बातें तो हम लोग कर चुके हैं और आज ये नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में और ये पहला सदन है बिहार का, बिहार विधान परिषद, जिसमें नेशनल ई विधान की शुरुआत हो रही है और इसके माध्यम से एक नई टेक्नोलॉजी का ये और जहाँ सारा चीज बहुत सुविधाजनक हो सकेगा, अपने हम प्रश्न दे सकेंगे, उसका उत्तर उनको मिल सकेगा, ध्यानाकर्षण आ सकेगा, ध्यानाकर्षण का उत्तर मिल सकेगा और एक साधारण व्यक्ति भी जिसके पास टेलीफोन है पूरे सदन की जानकारी अपना ले सकता है। तो एक बहुत क्रांतिकारी कदम है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसमें जो सहयोग मिला तो हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभकामना भी देते हैं कि इस तरह से उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ता रहे। इसमें माननीय हमारे मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री ने भी आज अपनी शुभकामना व्यक्त की, तो ये भी बहुत बड़ी बात है और उनका सहयोग मिलता रहा, क्योंकि ये जो कार्य शुरू हुआ है इसमें 60% केंद्र का सहयोग है और 40% हमारे बिहार सरकार का सहयोग है। तो इस तरह के सहयोग और समय पर सहयोग मिलने के चलते ये समय पर कार्य शुरू हुआ है, इसके लिए हम सभी उन लोगों के आभारी हैं जो कि इसमें सहयोग किए हैं, हमारे यहाँ के कर्मचारी लोग हैं और सब लोग मिल करके सहयोग करके समय पर इस काम को पूरा किया। बजट सेशन उसमें हम लोगों का पूरा ये रहेगा। बाहर से कोई टीम आई है क्या आपने? बाहर वहाँ से आती है, आ करके परफेक्ट देख गई पार्लियामेंट से, तब इसको हम लोगों ने किया। आइए, हम बिहार विधान परिषद में हैं और यहाँ आज ई विधान की शुरुआत हुई है। आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें सब कुछ कह सकते हैं पेपरलेस काम होगा। क्वेश्चन पूछने से लेकर उसका जवाब तक कई लोग पुराने सदस्य हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। विधानसभा से पहले हो गया था आप लोग का? देखिए, ये तो ऐतिहासिक क्षण है बिहार विधान परिषद के लिए और परिवर्तन हमेशा सुखद लगता है। तो ये जो परिवर्तन डिजिटल मोड में पूरे बिहार विधान परिषद को आज आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन सरोकारों के जो सवाल हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उनको हम लोग उठाएंगे और सीधे सीधे जनता से मुखातिब होंगे। जनता हमें देखेगी कि हमारे सवाल उठ रहे हैं, हमारे सरोकार के विषयों पर चर्चा हो रही है, तो जनता को भी लगेगा कि हमारा प्रतिनिधि सही तरीके से बातें कर रहा है। पहले से जिम्मेदारी बढ़ गई है। हाँ, तो पहले से जिम्मेदारी की एक नई चीज़ और सीखनी पड़ेगी, धीरे धीरे सीखेंगे हम सब। हाँ, ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग इसकी चल रही है। कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। दो दिन पहले भी ट्रेनिंग हुआ, हम लोग आ करके विधान परिषद में अपना सब पासवर्ड डाल करके खोल करके देखे और बहुत आसान होगा। अब हम लोग को पेपर्स मिलता था, उतना को लेकर के आना पड़ता था, देखना पड़ता था। अब जहाँ पर भी हम लोग रहेंगे देख लेंगे और हम लोग को यहाँ का काम करने में और सुविधा हो जाएगा। क्या नाम है?
डॉक्टर कुमुद वर्मा। ई विधान के उद्घाटन के बाद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की कार्यवाही भी चलाई और सदस्यों को बोलने का मौका भी दिया और जो व्यवस्था हुई है उसके बारे में जानकारी भी ली। कुछ सदस्यों ने कहा कि अभी प्रशिक्षण की जरूरत है, तो सभापति ने कहा कि उस पर ध्यान दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो बिहार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, बिहार विधान परिषद के लिए, क्योंकि देश में इस तरह की व्यवस्था पहली बार हो रही है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।